एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आपको अश्मित चित्र में या किसी भी चित्र में अगर आपको शेड करना है और बनाना है तो हमें किस पेंसिल से बनाना चाहिए और कौन सी पेंसिल से शेड करना चाहिए, इसी को हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो से बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो ये हमने सबसे पहले जो पेंसिल ली है ये है डोम्स की, ये HB पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल है। तो आप चित्र को बनाने के लिए आप जो है एक कोई पेंसिल, नॉर्मल सिंपल पेंसिल कोई भी ले लीजिए, HB 2B कोई भी, जिससे आप चित्र को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चित्र को शेड करने के लिए ये देखिए, ये है डोम्स की पेंसिल, ये भी ये 8B है। तो शेड करने के लिए आपको 6B 8B 10B 11B 12B तो ये सब शेड करने के लिए यूज करते हैं। ये 8B है तो इससे आपको, यानी कि आपको एक बनाने के लिए HB और शेड करने के लिए आपको ग्रेड चाहे 8B हो चाहे 6B कोई भी एक पेंसिल हो, दो पेंसिल आपके होना नहीं जरूरी है, ठीक है। और ये भी जो पेंसिल है ये कैमलिन की है, ये भी ठीक होती है, अच्छी होती है। ये भी 10B है, सॉरी 8B है, ये देखिए दोनों पेंसिल हैं, एक डोम्स की है एक कैमलिन की है, ये 8B है। तो दोनों पेंसिल काफ़ी ठीक है शेड करने के लिए। तो आप पेंसिल इसको शेड कर सकते हैं, 6B 8B 10B कोई भी सेट कर दी पेंसिल यूज करिए। और ये है चारकोल पेंसिल, चारकोल पेंसिल में हार्ड मीडियम शार्प, ये लेकिन चारकोल शार्प्ट है तो आप इससे भी सेट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये पेंसिल जो है काफ़ी काली होती है, ये देखिए, और जल्दी से ये इरेज भी नहीं होता है, काफ़ी काली होती है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आप जो है शेडिंग कर सकते हैं पेंसिल से, कम से कम दो पेंसिल इतना जरूरी है। उसके बाद आपको चित्र को उसको शेडिंग को ब्लेंडिंग करने के लिए, मिक्स करने के लिए आप ऐसे ब्रश का यूज करिए तो अच्छे से आ जाएगा। इसलिए इस तरह से आप राउंड भी ले सकते हैं और फ्लैट भी ले सकते हैं। आपको इस तरह से चित्र को बढ़िया से मिक्स कर देना है, जिसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, इसे कर देना है, चित्र काफ़ी अच्छा से आ जाता है। तो इस तरह से आपको प्रयोग करना है चित्र में शेड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपके पास दो पेंसिल होनी चाहिए कम से कम, और एक ब्रश कोई भी मिक्स करने के लिए, जिससे चित्र काफ़ी अच्छा होता है। चलिए हम आपको कुछ चित्र दिखाते हैं जिससे हम जो बनाए हैं कैसे शेडिंग किए हैं। जैसे ये सब देखिए, इसमें जो है चित्र जो है इस ब्रश से ही शेडिंग किया गया है, मिक्स किया गया है। और ये जो चित्र है इसमें चारकोल पेंसिल का यूज़ किया गया है, ये देखिए चारकोल पेंसिल का यूज़ किया गया है। हम अपने ड्राइंग में चारकोल, अप्सरा, कैमलिन, डोम सभी को यूज कर चुके हैं, इसमें चारकोल पेंसिल यूज है। तो इस तरह से आप ब्रश से मिक्स करके इतना अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कम से कम दो पेंसिल आपके पास होना ज़रूरी है, एक HB DHB 2B या तो फिर और सेट करने के लिए, डार्क करने के लिए आपको 8B 10B कोई भी हो, किसी भी कंपनी को, चाहे डोम्स को चाहे कैमलिन को, इस तरह से अच्छा चित्र आपको लगेगा। तो आप बस आप प्रैक्टिस करिए, आप चित्र इसी तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा बनने लगेगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए जो यहाँ पर सेट किया गया है, ब्रश सही से मिक्स किया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आज भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब मिलता रहे और हमारे चैनल पर आपको हर तरह चित्र मिल जाएगा जो है वो समझाते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रश के लिए। तो ब्रश लेखन को अगर कलर करते हैं तो आपका दो ब्रश होना बहुत जरूरी है, एक पतला एक मोटा। तो ये ब्रश जो लिए हैं ये बेल्डन का है और एक 5 नंबर का है। तो आपका दो ब्रश होना चाहिए, एक 5 नंबर, एक होना चाहिए 1 नंबर, चाहे एक पतले ब्रश में आप चाहे 1 नंबर ले लीजिए चाहे 0 नंबर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो मोटे ब्रश में आपको 5 नंबर, पतले ब्रश में 1 नंबर, इस तरह से आपको दो ब्रश होना जरूरी है। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट।